लेट्स एंड जेंटलमैन, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्टूडेंट वीज़ा, और स्टूडेंट वीज़ा में भी सबसीक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा इसको कहते हैं। आप में से बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं हु आर स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड नो दे वांट टू स्पॉन्सर देयर स्पाउस। वो चाह ये रहे हैं कि उनकी स्पाउस और उनके अगर वो मैरिड हैं तो उनकी स्पाउस और उनके बच्चे जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ज्वाइन कर लें। तो मेरा ये जो आज का टॉपिक है दिस इज़ अबाउट दैट सबसीक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा। सबसीक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा के ऊपर हमारे बहुत सारी क्यूरीज लोगों की आती हैं, क्योंकि पहले लोग ये होता है कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, खुद चले जाते हैं, बट Once they land in Australia, तो फिर उनको फील होता है कि they need a, their partner to be there as well, और अगर उनके बच्चे हैं तो they want their kids to join them in Australia as well. So if you are facing this problem, तो ये वीडियो जो है वो आपको गाइड कर सकती है कि subsequent entrant visa जो है वो आपको कैसे मिल सकता है, subsequent entrant visa के लिए जो requirements हैं वो क्या हैं, जो genuine temporary entrant criteria है जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म यूज़ होती है, वो subsequent entrant के ऊपर भी अप्लाई होती है, just because that your spouse is your partner is studying in Australia और उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो entitled हैं वीज़ा के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रूफ देने पड़ेंगे, आपको मैरिज का प्रूफ देना पड़ेगा, और अगर आपकी मैरिज जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले की है तो ये जो मैरिज है ये मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। अदरवाइज़ अगर आपने पहले डिक्लेयर नहीं की हुई तो आपको दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी शादी जो है वो उस वक्त हुई है जब आपको स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका था, तो अब नाउ यू वांट योर स्पाउस टू जॉइन यू इन ऑस्ट्रेलिया, तो आप उनका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको मीट करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद उनकी एंटाइटलमेंट है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो उनके जो पार्टनर हैं पाकिस्तान में हैं या कहीं इंडिया में हैं या किसी और कंट्री के अंदर हैं तो वो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन सेपरेट होगी और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी सेपरेट ही होगी। ज्वाइन वो आपको ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको कोई आप एक तो ये कि निकाहनामा मैरिज सर्टिफिकेट एक रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट उनके पास होने चाहिए दूसरी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई बच्चा है तो फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे का पासपोर्ट होना चाहिए, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप लगा सकते हैं, आपने इनकम शो करनी है, एटलीस्ट $7,100 जो हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये आपके मिनिमम अमाउंट है जो एक साल के लिए है। अगर लेट्स सपोज आपके जो पार्टनर है वो ऑस्ट्रेलिया में है और उसको दो साल अभी स्टडी में रहते हैं एंड यू वांट टू जॉइन देम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में जो है वो एटलीस्ट $14,500 के करीब आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर बेबी भी साथ ऐड है, किड्स भी साथ ऐड हैं, तो पर चाइल्ड जो है वो $3,040 जो हैं पर एनम के हिसाब से आपके पास होने चाहिए एडिशनल। आपने ये इनकम शो करनी है, आप ये शो आप बैंक स्टेटमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं, आप अपनी रेगुलर इनकम शो कर सकते हैं, अगर आपको कोई कहीं से रेंट आ रहा है कोई और चीज़ आ रही है आप वो शो कर सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं वहाँ पे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, वो अगर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो अपनी इनकम शो कर सकते हैं, अगर आप पार्टनर के तौर पे जा रहे हैं तो आपको जो है वो 40 आवर्स वर्क जो है वो अलाउड होता है अगर आप बैचलर डिग्री में हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री जो है वो PhD है या कोर्स वर्क है या रिसर्च वर्क वाली डिग्री है तो उसमें आपको अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स जो है वो अलाउड होते हैं। हम लोग स्टूडेंट वीज़ा तो प्रोसेस करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारे लोग हैं जिनके हमने सबसीक्वेंट एंट्रेंट वीज़ाज जो हैं जो फर्दर उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके वीज़ाज भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप हमें एक अपनी क्यूरी जो है वो ईमेल कर सकते हैं studentvisa@immigrationexperts.pk, आप हमें कॉल कर सकते हैं @0305-585-7777, आप हमें इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस में विज़िट भी कर सकते हैं। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन YouTube तो ये जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर हिट कर दें। इस बेल आइकॉन को हिट करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको जो गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिथम है उसके मुताबिक आपको
नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले एज एंड व्हेन अ न्यू वीडियो इज़ मेड अवेलेबल. अगर आप हमें लिंक्डइन या फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं सो दैट यू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टूडेंट वीज़ा एंड इन द इमिग्रेशन वर्ल्ड. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या कैनेडा में हैं और फॉर दैट मैटर इन एनी अदर कंट्री हैं और आप अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आप हमें उस सिलसिले में भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं. वी विल बी रेडी टू हेल्प यू हैप्पीली. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.